द्वारा कंपनियों में निजीकरण करने के कारण लोगों को ही नौकरी नहीं मिलेगी, इस संबंध में आप ओबीसी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? ये जो है सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है। निश्चित रूप से जो हमारे SC ST और ओबीसी भाइयों को नौकरियों में आरक्षण मिलता है, यदि ये निजीकरण सभी का, जैसे अभी रेलवे का निजीकरण हो गया, विद्युत विभाग का निजीकरण हो गया और कंपनियों में भी तो निजीकरण, पहले ही निजी कंपनियों में निजीकरण है, तो जो शासकीय सेवाएं हैं उनमें उनको निजीकरण किया जा रहा है या जो भी नौकरियां हैं उनको संविदा की जा रही है, तो हमारा ओबीसी महासभा इसका विरोध करता है। ओबीसी महासभा की ये मांग है, यदि निजीकरण हो जाएगा तो हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और निजी लोग अपने निजी लोगों को ही नौकरियों में रखेंगे और हमें हमारा अधिकार नहीं मिल पाएगा। ओबीसी महासभा का निजीकरण का विरोध कर रही है और जो आज कल सरकारी नौकरियों में संविदा किया जा रहा है, नियमितीकरण नहीं हो रहा है, उस संविदा के भी विरोध में हमारा ओबीसी महासभा आज ज्ञापन दे रहा है और आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज को जन जन तक और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है कि हमारी इन मांगों को, ये मांग नहीं हमारा, ये चेतावनी पत्र है, हम हर 13 तारीख को अपना चेतावनी पत्र सरकार को भेज रहे हैं। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, ओबीसी महासभा का इसी तरह उपेक्षा करेगी, तो आने वाले दिनों में उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी जो लगातार ओबीसी महासभा और आदर्श संगठन द्वारा जो हम सबकी मांगे चल रही हैं और वो जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब पर ये निरंतर ओबीसी महासभा द्वारा जगह जगह पर सभाएं आयोजित की जाएंगी और जो मांगे हैं कोशिश है कि तत्काल, मतलब जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाए ताकि हम लोग मतलब सबसे वंचित हो सके और जो भी आज सरकारी संस्थाएं निजीकरण के दौर पे चल रही हैं, जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है उसे ना करके जो मतलब आरक्षण हम लोगों को दिया गया है उस पर संशोधन किया जाए और उसको मुद्दे पे लाया जाए और हम लोगों को आरक्षण दिया जाए। क्या नाम है आपका? अवनीश पटेल। इसी को 27% आरक्षण न मिलने पर महिला मोर्चा इस संबंध में क्या कहना चाहती है? 27% आरक्षण न मिलने पर महिला मोर्चा भी उसी तरह आंदोलन करेंगे। हम सब लोग मिलकर जातिगत जनगणना करने के लिए 27% आरक्षण सुनिश्चित किए जाने के लिए इन मांगों को लेकर हम सब आज सड़कों पर ही उतरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के एकत्रित करके जातिगत जनगणना के लिए आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए हमें चाहे जो भी करना पड़े हम ऊंचाई से ऊंचाई तक जाएंगे और अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। अभी अभी बताया गया है कि CHO के भर्ती में ही आपको 14% आरक्षण मिला है, कहीं आपने इसका शिकायत की कि हमें 27% आरक्षण मिलना चाहिए? मैं कलेक्ट्रेट में शिकायत की कलेक्टर महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ, अगर यहाँ से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं मीडिया के द्वारा वहाँ तक हम लोग। जैसा की जानकारी के लिए दे दूं, ओबीसी महासभा ने सेंट्रल को भी लिखा है और मध्यप्रदेश सरकार को भी लिखा है, सरकार को लिखा है और हम लोग इतना आंदोलन करें क्योंकि अभी जो इसकी भर्ती निकली थी CHS की, इसमें भी महिलाओं के लिए और ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उसको जो है तो आरक्षण के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? एडवोकेट किरण पटेल, ओबीसी महासभा।